अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रणय जी, मेरी इस सोच के पीछे बस एक ही मकसद है। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप प्रणय जी नहीं सकता। मैं ये शुभम, मैंने ना एक बहुत सुंदर सपना देखा। हमारा भी एक बच्चा हो, छोटा सा प्यार सा। और तुम कहते हो ना, तुम उसे कंधों पे बिठा के पूरे गांव में घुमाओगे। तुम जो बोलते हो ना शिवा, वो मैं देखते हो अपनी नजरों के सामने होते हुए। हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा हो, मेरा पल्लू पकड़ के चले। हम दोनों बहुत खुश रहे उसके साथ। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा भी दूं और पूरी दुनिया का मुंह भी बंद करवाऊं जो मुझे बांझ कहती है। अगर भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो वो मुझे हर खतरे से भी बचाएंगे ना। और तुम कहते हो ना, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। शिवा, भगवान तुम्हें इतना दर्द देंगे क्यों जो तुम बर्दाश्त ना कर सको। तुम पे भरोसा रखो ना। और दूसरी बात, मेरा शिवा मुझे कभी कुछ होने दे सकता है, तुम्हारे होते हुए तुमसे दूर जा सकती हूँ मैं। शिवा भगवान से नहीं लड़ जाएगा अगर उसकी कनक को कुछ होगा तो बस इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं शिवा। ठीक है, शायद आप सही कह रही हैं। ये भगवान का आशीर्वाद तो है ही कि आप मां बन सकती हैं। अब भगवान ने रास्ता दिखाया तो मंजिल तक भी पहुंचा ही देगा ना। और हाँ, मैं तो अपनी पूरी जान लगाई दूंगा, क्योंकि मैं ना आपको और अपने होने वाले बच्चे को कभी कुछ होने दे सकता हूं। हाँ, मैं आपके साथ हूं। तुम मेरे साथ हो ना, बस यही चाहिए था, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ है ही। शिवा, भगवान है हमारे साथ। तुम देखना, सब सही होगा। कल से नवरात्रि शुरू है ना, दुर्गा माँ हमारे घर आ रही है। हम दोनों मिलकर दुर्गा माँ की सेवा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि अब कोई मुश्किलें ना आए। और वो तो माँ है ना, एक माँ दूसरी माँ की पुकार तो सुनेगी ना, जरूर सुनेगी। शिवा, देखना सब ठीक हो जाएगा। डो, अब आज रात की पूजा की तैयारी भी कर ले। जी। अरे, उसे क्या बोल रहे हो? माँ दुर्गा घर आने वाली है, मैं हूँ ना तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। विशाल को और भी काम है। करता हूँ ना, तू सबके सामने डांट क्यों रही हो? ठीक है, फिर करो। काम आता हूँ। भाभी साहब, आप पूजा की तैयारियां करिए, मैं रसोई में जाके पूजा के प्रसाद की तैयारी करती हूँ। सीधे बात करते डॉक्टर। देखिए, इस मामले में मुझे माफ कीजिए आप, मुझे शिवा के हाथों मरने का कोई शौक नहीं। पिछली बार उसने मेरी हड्डियां लगभग तोड़ ही डाली थी। गले तक पैसे दिए मैंने तुझे, तेरी ये बकवास सुनने के लिए नहीं। और अगर पैसों के लालच में तेरा ईमान डगमगा रहा है ना, तो ध्यान से मेरी एक बात सुन ले। मैं तेरी डॉक्टरी की लाइसेंस ना रद्द करवा दूंगी, शिकायत कर दूंगी तेरे खिलाफ। उन दोनों को एक हुए 72 घंटे हो चुके हैं, मतलब अब हम मेडिकली कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तक कनक कंसीव कर चुकी है, ये पक्की बात है। इसका मतलब हम दवा से कुछ नहीं कर सकते, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, चांस ले सकती हैं आप। कनक को अगर इस स्टेज पे कोई गहरा झटका, बड़ा शॉक या तकलीफ पहुंचे, तो हो सकता है उस स्ट्रेस की वजह से बच्चा सरवाइव ना कर पाए। पर वो रास्ता क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता। और आज के बाद हमारी कभी कोई बातचीत नहीं होगी। मेरी जान छोड़ दो प्लीज। तेरी जरूरत भी इतनी ही थी।
कुकर को भी अभी खराब होना था। आज का खाना बना लेती हूँ, फिर जाके ठीक करवा लूंगी। ये गम इस कुकर से निकलने वाली भाप को अंदर ही कैद कर देगा और थोड़ी देर में भाप बाहर ना आने के कारण ये कुकर किसी बॉम्ब की तरह फटेगा। कब से कुकर चढ़ा हुआ है? गैस जल रही है? कौन ऐसे लापरवाही करके कुकर चढ़ा के आया? कब से गैस चल रही है? ये कनक तो रसोई में गई ही नहीं, कैसे भेजू इसे? सजावट तो बड़ी अच्छी हुई है। प्रसार, जा हमारे लिए एक कप चाय बना के ला। सुबह से एक कप भी चाय नसीब ना हुआ, गला सूख रहा है हमारा। प्रसार तू बैठ। वो प्रसार का हाथ रंगोली में बहुत अच्छा है और मेरा चाय में। मैं आपके लिए तो क्या, सबके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ, पिएगी ना? मन्ने के फर्क पड़े है, चाय से मतलब है, कोई भी बनाओ। यशोदा तो पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है, बिना मदद मांगे भी मदद कर जाती है। अब ये कहां से आ गया? रसाल बिंदनी, ऊपर भंडार से चावल ले आ, दिए के साथ रखेंगे, काम आएगा। तुम्हें भी पीनी है अदरक वाली चाय? ना, मैं तो बस आपकी मदद के लिए आया हूँ, कर दूँ? अच्छा, ये अपनी जगह पे रख दो। ओके, शिवा चाय पत्ती इधर रखते हैं। पता है मुझे, अगर शिवा रसोई में हुआ तो वो हर हाल में कनक को बचाने की कोशिश करेगा और मेरा रचा खेली पर फिर से बेकार हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से शिवा को रसोई से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करूं? अरे, दाल तो मैंने कुकर में चढ़ाई थी, आधा घंटा हो गया, अब तक तो बन गया। भाई साहब, क्या हो गया? लाटो के गिर गई के तू? दिखा, तू ठीक है? क्या हुआ? वो चढ़ा, ये हमारा मामला है, दूर रहिए, पीछे हटिए। लाटो उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, हाथ दे। बैठ, दिखा कौन सा पैर है, दिखा। कम हुआ थोड़ा? मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। अरे ये मालिश वालिश छोड़ो, डॉक्टर को बुलाओ,
दिख नहीं रहा कितनी दर्द में है वो, कुछ ज्यादा चोट भी लग गई होगी तो। पहली बार कोई ढंग की बात की ऐसे कोरी मसाने। हाँ डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मेरा फोन कड़क जी, ये डॉक्टर को बुला लो। मेरा फोन किचन में। हेलो डॉक्टर, मैं शिवराज सिंह की वाइफ बोल रही हूँ, जल्दी से हमारी हवेली पे आ जाइए प्लीज, रसाल सीढ़ियों से गिर गई है। एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।